हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ध्रुव एस्के व्लॉग्स। आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज होली है तो अभी होली जैसा तो कुछ लग नहीं रहा क्योंकि हमने कुछ करानी स्पेशल, अभी करते हैं कुछ तो आपको भी दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में। और अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या बन रहा है स्पेशल होली में खाने के लिए, और आपको भी दिखाते हैं। और यहाँ खाना बनना हो गया है शुरू, यहाँ तैयारियाँ चल रही है। आप गिलास में खाना पिघल नहीं रहा था, फ्रिज में रखा था। आप क्या बना रहे हो आज स्पेशल? होली स्पेशल गुजिया बना रही हूँ और सूजी मैंने रख ली है छान के। अब मैं भूनूंगी सूजी को। डोंट माइंड अवर कढ़ाई, इसके दोनों कान टूट गए हैं तो घी तो हो गया। मैं डालूंगी अपनी सूजी। कौन कौन खाना चाह रहा है आ जाना, कौन चाह रही है? क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। रेसिपी गुजिया की सबको ही पता होती है और जिसको नहीं पता है वो देख लो आप लोग। सूजी को अच्छे से भूनना है जब तक गोल्डन ब्राउन सुनहरी भूरी ना हो जाए, तब तक आप उसको भूनें, वो भी हल्की आँच में, क्योंकि तेज आँच में तो ये गल जाएगा एकदम से। और अभी यहाँ आपने बहुत ही कम कर रखा है तो तब तक इसमें जो भी आप लोगों ने ड्राई फ्रूट्स डालने हैं उसको कट कर लो और मैं भी वही करूँगी। तब तक मैंने चाय भी बनानी है, तब तक चाय भी बनाऊँगी। चार होंगे, एक के पुली चाह और चार गिलास तेरी मेरी जोड़ी बस गिलास। सुंदर डांस की प्रस्तुति भी हो गई है मेरे द्वारा। तो मैं चाय बनाती हूँ। आप चाय की रेसिपी भी बताओ जिनको चाय बनानी नहीं आती। चाय की रेसिपी क्यों बनानी है? चाय तो मैं मेरी जिंदगी की उम्र हो इतनी शर्म चाय बनाने से शुरू, चाय बनाने से खत्म। हमारे घर के लोग सदस्य चाय बहुत पीते हैं, वैसे सब घर के सभी लोग चाय बहुत पीते हैं तो इसलिए हम भी चाय बनाते हैं। इसलिए हम चाय की रेसिपी बता देंगे कि थोड़ा सा पानी लो, थोड़ा सा चाय पत्ती डालो, थोड़ा सा अदरक डालो, थोड़ी सी इलायची डालो। जिसको इलायची पसंद है वो आधे को खींचो, आधा डालो और बस उबालो और दूध डाल दो। दूध काले गोरू का हो या गोरे गोरू का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, धौला हो या काला हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसा ही भी हो बस दूध होना चाहिए। बन गई चाय। हमारे किचन में मिला है घी रम। तो फ्रेंड्स, सूजी भुन गई है मेरी अच्छे से और अब मैं इसमें डालूंगी अपने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स और चीनी। तो डेढ़ कटोरा मैंने इसमें चीनी डाली है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर कोई कम खाता है तो कम डाल सकता है, कोई ज़्यादा खाता है तो वो ज़्यादा कर सकता है। और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और ठंडा कर लूँगी। और तब तक हस्बैंड जी छान रहे हैं मैदा और तब तक फटाफट से मैदे को लगा लेंगे, कूट लेंगे। और इसको मैंने बना लिया है और ठंडा भी हो चुका है अब, क्योंकि गरम गरम भर देंगे तो गरम गरम फूट जाएगा एकदम से। तो मैदा भी छन गया है और मैं अब मैदे को लगा लेती हूँ, उसके बाद बनाते हुए फिर दिखाएंगे। तो मैदा भी लगा लिया है मैंने, इसको थोड़ा सख्त कूदना पड़ता है पर मेरा थोड़ा सा ढीला हो गया। आमदार ये मैं असिस्टेंट हूँ, मैं सीख रही हूँ अभी, इंटर्न हूँ मैं। 6 महीने वाला कोर्स किया मैंने और जो शेफ शाह ने हमको सिखाया वो खड़े हैं यहाँ पर हमको सिखा रहे पीछे।
देखिए गाइस, कोई नहीं था मोती के लिए। हैप्पी होली। हैप्पी होली बेटा, हैप्पी होली मत करो ऐसे, पानी नहीं फेंक देना। अब जो भी होगा वो रियल ही होगा। कैसा लगा मेरा बदला? अमत लाल लगा ले। तो जी कुछ ऐसे खेली हमने अपनी होली, और आप लोगों की होली कैसी रही है कमेंट में ज़रूर बताइए। होली खेलने हम जा नहीं सके क्योंकि मम्मी की आँख में प्रॉब्लम थी, तो हम लोगों ने घर पर ही बना ली। और प्रीति ने मुझे बहुत भिगाया है, उसका बदला मैंने ले लिया है। अब नहा धो लिया हम लोगों ने, अब थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।